आपका क्या नाम है? मेरा नाम है शिव कुमार। शिव कुमार आप कहाँ से आए हैं? मैं बरेली सुभाष नगर। बरेली से हैं। आपका क्या नाम है? पराग। पराग आप कहाँ से आए हैं? मैं सुभाष नगर पटेल। अच्छा ओके। आपको क्या शिकायत हो गई थी शिव? मेरी शिकायत थी कि मेरे राइट साइड में किडनी के ऊपर और उसके लेयर के नीचे उसमें एक मांस जो है एक्स्ट्रा हो गया था, एक्स्ट्रा मांस बन गया था जिसको डायग्नोस में अपेंडिकुलर मांस बोला। जी 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 जी। और उसके ऑपरेशन के लिए सलाह दी। ऑपरेशन की सलाह दी थी आपको? जी जी। फिर उन्होंने हमें पीजीआई के लिए रेफर किया। जी जी। और पीजीआई में हमने दिखाया तो पीजीआई में ऑपरेशन के लिए बोला। जी जी। और वहाँ पे सारी जांचों के बाद में मुझे डेट मिल गई ऑपरेशन की। जी जी जी। पीजीआई लखनऊ। पीजीआई लखनऊ। जी जी। पीजीआई लखनऊ। और फिर मैंने ऑपरेशन ना करा के और होम्योपैथ की दवा ली जो वहाँ लखनऊ, तो उनकी दवा खाई 4 साल जिससे मुझे बहुत आराम हुआ। जी जी। और उसके बाद फिर कुछ बढ़ने का लगा था तो फिर मैंने उनकी दवा बंद करके फिर मैंने यहाँ डॉक्टर आपकी दवा खाई, डॉक्टर पुनीत सरपाल जी। जी जी जी। तो मैं उस दवा से मैं कंटिन्यू 4 साल दवा खाई। दवा खाने के बाद में मुझे पूर्णतया आराम मिल गया। आराम। हाँ, जो मुझे आज ऑपरेशन नहीं कराना पड़ा। अब इस बात को हुए कितने साल हो गए हैं? 5 साल दवा बंद किए हुए हो चुका है जी, और 4 साल मैंने दवा खाई है यहाँ। 4 साल यहाँ? 4 साल आपने लखनऊ? हाँ, की दवा 4 साल हमने दवा खाई। 8 साल दिए आपने होम्योपैथी? 8 साल होम्योपैथी को दिए। और आप बता रहे थे कि पहले यहाँ दबाते थे? हाँ, दबाते थे तो हाथ नहीं जाता था अंदर तक। हाँ, बाहर पत्थर जैसा था और दर्द होने लगती थी। जी, मैं जी। एक करवट लेट पाता, दूसरी करवट जो है करवट से तो किधर भी लेट लेता लेकिन सीधे नहीं लेट पाता था। सुबह अंगड़ाई लेता तो बहुत भारी पैर खींचता था यहाँ से, तो यहाँ पत्थर जैसा रखा हुआ था बहुत। तो अब जो है मुझे किसी प्रकार कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब नहीं है। 5 साल आपको दवा छोड़े भी हो गए हैं? 5 साल दवा छोड़े भी हो गए हैं और मुझे बिल्कुल रिलैक्स, सही मुझे है, बिल्कुल सारे काम कर रहा हूँ। जी जी। होम्योपैथ पे मुझे पूरा विश्वास है। जी जी। और मैं दूसरों को भी सलाह देना चाहूँगा कि ऐसा कोई भी अगर कोई ऐसी मर्ज है, अगर बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं है तो होम्योपैथ का सहारा पहले ले लें, उसके बाद में ही दूसरा इलाज कराएं। हाँ, आपका ये ज़रूर इंस्पिरेशनल है कि इतना समय होम्योपैथी पे विश्वास करके आपने दिया। होम्योपैथी पे हमें विश्वास है। सर्जरी ना करा के आपने दिया और आज आप बिल्कुल स्वस्थ भी हैं। 5 साल अब दवा छोड़े भी हो गए हैं आपको? 5 साल बराबर। डॉक्टर साहब पे बहुत विश्वास है आपको? जी जी। डॉक्टर साहब पे भी हमें विश्वास है। जी, आपके विश्वास से ही मेरे को ही पता चला। मैंने इधर आया, मैंने नहीं बोले वहाँ पहुँचो तुरंत। आपने भी इनका देखा, इनकी तबीयत देखी, अपनी तबीयत देखी। आपका होम्योपैथी के लिए क्या कहना है? आपके होम्योपैथी नहीं सही, आराम है, इससे आराम है। और वहाँ तो एकदम ऑपरेशन तो डर भी लगता है, तो पहले इतने ऑपरेशन हो चुके हैं, फिर अभी एक और ऑपरेशन, लेकिन होम्योपैथिक से ही आराम मिला है। जी जी जी। आगे ये है कि शायद और आराम मिले। जी जी। मिलेगा जब दवाई खाएंगे। जी 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 जी। आपकी इंस्पिरेशनल स्टोरी सुन के मेरे को बहुत अच्छा लगा कि होम्योपैथी का फेस बना रहना चाहिए। कोई भी गांठ अंदर से उत्पन्न हुई है तो उसको काट देना इसलिए सोल्यूशन नहीं है। कोई चीज़ अगर अंदर से आ रही है तो फिर आएगी, उसका रूट कॉज कि गांठ क्यों बन रही है वो शरीर के अंदर ही रह जाता है। तो सिर्फ होम्योपैथी की सही दवाइयों के चयन से ही रूट कॉज हट जाता है। अब इन्हें महसूस भी नहीं होती है वो गांठ, और 5 साल हो गए हैं। 5 साल कोई चीज़ दोबारा नहीं आ रही है, ये भी एक बहुत बड़ी बात होती है, बहुत ज़्यादा बड़ी बात होती है। ठीक है, आप इसमें डॉक्टर साहब को धन्यवाद देना चाहते हैं। जी जी। आप लोगों को होम्योपैथी से इतना अच्छा लगा, आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद।